हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों आज शुरू कर रहे हैं बाई मोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SE2। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट SE1 हम लोग पहले देख चुके हैं। इन SE2 रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट्स और डिस्प्लेसेस आ फंक्शनल ग्रुप। बच्चों ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल किसी एटम या ग्रुप को या फंक्शनल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करता है वो रिएक्शन कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या SE2 भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं जैसा हमने SE1 में बोला था कि वो रिएक्शन जिसमें स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल वीकर इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है वो रिएक्शन SE2 कहलाती है। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे एक ये सबस्ट्रेट है हमारा, ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये जो जेड है ये लिविंग ग्रुप है। क्लियर हुआ आपको? अलग कलर से दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे रिएक्शन हुआ और देखिए जेड जो है वो डिस्प्लेस कर दिया इलेक्ट्रोफाइल ने, और जहाँ पे जेड था वहाँ पे ई आ गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। और ये जो हमारा जेड लिविंग ग्रुप था, ये लिविंग ग्रुप हमारा जेड प्लस फॉर्म में बाहर आया। तो जो आपको बताया था कि भाई जो स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोफाइल होगा वो वीकर इलेक्ट्रोफाइल को डिस्प्लेस कर देता है, ऐसी रिएक्शन कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फिर SE। आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट्स लेते हैं। इन एलिफैटिक्स SE2 रिएक्शंस आर रेयर ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक लिविंग ग्रुप। बच्चों होता क्या है कि एलिफैटिक्स में SE2 रिएक्शन जो है वो रेयर होती है, कॉमन नहीं होता, थोड़ा मुश्किल से मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो निकलने वाला लिविंग ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए और इलेक्ट्रोफाइल इजिली नहीं निकलता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जनरली SE2 रिएक्शंस अकर इन ऑर्गेनोमेटलिक्स हैविंग लिथियम, क्रोमियम, टिन, आयरन, कोबाल्ट मेटल्स एटसेट्रा। तो जो SE2 रिएक्शन है जब एलिफेटिक में रेयर होगी तो कहाँ मिलेगी? तो उसका आंसर है कि ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स में या ऑर्गेनोमेटलिक्स में ये बहुत इजीली, बहुत आसानी से मिलने वाली रिएक्शन है। और ऐसे ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जिसमें लिथियम, क्रोमियम, टिन या आयरन या कोबाल्ट मेटल का कोई कंपाउंड हो। मोर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ SE2 इज इन ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड। बच्चों ऑर्गेनोमेटलिक्स में जो ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड होते हैं वहां पर SE2 के आपको कई सारे, बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को इजिली मिल जाएंगे। सबस्ट्रेट फॉर एलिफेटिक SE2 रिएक्शन। बच्चों अगर एलिफेटिक में रेयर होता है तो वो कौन से एलिफेटिक कंपाउंड होंगे जहां पे आपको SE2 रिएक्शन देखने को मिलेगी? तो वो है ब्रिज हेड कार्बन, बल्कि नियोपेंटाइल ग्रुप। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट होगा वो थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन इजिली नहीं जा पाता है जितना बाकी केसेस में जाता है। तो आइए देख लेते हैं कौन से कंपाउंड होंगे हमारे ब्रिज हेड कार्बन और कौन से होंगे हमारे नियोपेंटाइल कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पे ये जो आप कार्बन देख रहे हैं ये हमारा कहलाता है ब्रिज हेड कार्बन। ये आपने MSc फर्स्ट सेम में पढ़ा हुआ है। तो आप जानते हैं कि ये वाला जो कार्बन है ब्रिज हेड कार्बन और काफी क्राउडेड होता है। यहाँ पे जेड जो है लिविंग ग्रुप है। तो अगर यहाँ पे रिएक्शन आपको देखनी है तो ये एलिफेटिक का एक एग्जाम्पल है जहां पे आपको SE2 देखने को मिल जाएगी। अब दूसरा देखिए, ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला कार्बन जो है ये नियोपेंटाइल कार्बन है बच्चों, और इस पे लगा हुआ है जेड। तो इसकी बात कर रहे थे हम लोग। दो वो एग्जाम्पल है जहां पे एलिफेटिक में आप SE2 होते हुए देखेंगे। अब बात करते हैं बच्चों मैकेनिज्म ऑफ SE2। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज हम लोग चलेंगे। तो पहला पॉइंट लेंगे हम लोग, SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स वाया सिंगल ट्रांजिशन और कंसिडर्ड स्टेप वेयर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग अकर एट सेम टाइम। ये कंसर्टेड की तरह ही एक स्टेप होता है बच्चों, जहां पर बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना दोनों एक साथ होते हैं SE2 में। क्लियर है आपको? SE2 रिएक्शन इज एनालॉगस टू SN2 विद सम डिफरेंसेस, एज इन SN2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस फ्रॉम बैक साइड, बट इन SE2 रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स फ्रॉम बोथ साइड, फ्रंट एज वेल एज बैक साइड। बच्चों होता क्या है कि SN2 से SE2 काफी हद तक सिमिलरिटी दिखाता है लेकिन काफी डिफरेंसेस भी हैं। आपको पता होना चाहिए कि SN2 में जो अटैकिंग स्पीसीज होती है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन SE2 में जो अटैकिंग स्पीसीज होती है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है।
SN2 में न्यूक्लियोफाइल जो अटैकिंग स्पीसीज है वो हमेशा बैक साइड से अटैक करता है, लेकिन SE2 में दोनों तरह के अटैक पाए जाते हैं, कि यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जो हमारा अटैकिंग स्पीसीज है वो बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड से अटैक करता है, लेकिन SN2 में ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, ये हम सब आगे देखने वाले हैं। अब एक सवाल उठता है कि सर ऐसा क्या होता है कि SN2 में केवल बैक साइड से अटैक होता है लेकिन SE2 में दोनों साइड से अटैक होता है? तो आइए देखते हैं इसका रीजन क्या है। इन SN2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बैक साइड इज ड्यू टू रिपल्सन, बट इन SE2 इलेक्ट्रोफाइल हैज वैकेंट ऑर्बिटल सो नो रिपल्सन इज देयर। आपने देखा था, आपको ध्यान होगा, SN2 में जो न्यूक्लियोफाइल है वो सामने से अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पर जो लिविंग ग्रुप जो वहां निकलने वाला है और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों के बीच रिपल्सन होता है, तो ये उसको बैक साइड से जाना पड़ता है, और वहां पर जो स्टीरिक क्राउडिंग भी नहीं होती है। आपको याद आ गया होगा, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से नहीं जा सकता है क्योंकि उसको यहाँ पर रिपल्सन होगा, यहाँ पे तो वो नहीं जाएगा, लेकिन वो यहाँ से बैक साइड से जा सकता है। क्लियर हुआ आपको? लेकिन SE2 में होता है क्या कि बच्चों जो हमारा अटैकिंग स्पीसीज है वो इलेक्ट्रोफाइल है, और आप देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है क्योंकि इसका जो ऑर्बिटल होता है वो खाली होता है, और जब खाली रहेगा तो इसमें रिपल्सन होने वाला ही नहीं है, तो ये फ्री हो जाता है दोनों साइड से अटैक करने के लिए। रिपल्सन रोकता है SN2 में लेकिन रिपल्सन नहीं होता है SE2 में। अब ये एग्जांपल देख के आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हमारा सबस्ट्रेट है, यहाँ पे जेड जो है वो लिविंग ग्रुप है। आप देख पा रहे हैं कि दोनों रिएक्शन में ही SE2 हो रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फर्क है, यहाँ पर जो हमारा लिविंग ग्रुप है उस साइड से ही इलेक्ट्रोफाइल सामने से प्रेजेंट है, तो यहाँ पर बॉन्ड जब क्लीव होगा सेम ये वाला बॉन्ड क्लीव होना शुरू होगा, और सेम टाइम यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल के साथ ये कार्बन का बॉन्ड बनना शुरू होगा, तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती जिसमें ये वाला कार्बन जेड का बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन इलेक्ट्रोफाइल का बॉन्ड बनता है, लेकिन दोनों काम जो होते हैं सामने से होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं SE2 फ्रंट। अब यहां पे सर ये रिपल्सन नहीं होगा क्योंकि आप देख पा रहे हैं प्लस चार्ज, और जो दिखाया हुआ है ये लोब, ये ऑर्बिटल है, वो ऑर्बिटल जो खाली है, इसलिए यहां पे रिपल्सन नहीं होता और इलेक्ट्रोफाइल सामने से आ पाता है। अब देखिए, जब सामने से आएगा तो बनने वाले प्रोडक्ट का और हमारे स्टार्टिंग मटेरियल जो हमारा सब्सट्रेट है दोनों का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, उसमें एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट देखिए, दोनों में सेम है, तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है प्रोडक्ट में, यानी जो ये रिएक्शन है इसमें रिटेंशन होगा और प्रोडक्ट के कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। अब देखते हैं SE2 बैक, यही सब्सट्रेट है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन और जेड का जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकलना शुरू हुआ, यानी बॉन्ड टूटना होगा, सेम टाइम यहाँ पर कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल का बॉन्ड तो बनेगा लेकिन वो बैक साइड से बनेगा। अब सर सवाल ये उठता है कि आपने ऐसे क्यों नहीं दिखाया? बच्चों हमने बताया था कि ये ट्रांजिशन स्टेट होती है इसमें, और इसमें बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना एक साथ दिखाते हैं, यानी ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड टूटने के बाद यहां पर कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल का बॉन्ड बनना शुरू हो गया है, तो इसको बोलते हैं SE2 बैक, क्योंकि इसमें आने वाला इलेक्ट्रोफाइल लिविंग ग्रुप के बैक साइड से प्रेजेंट है, और जब ये बैक साइड से आएगा तो आप जानते हैं प्रोडक्ट का जो कॉन्फिगरेशन होगा वो स्टार्टिंग मटेरियल कंपैरिजन में उल्टा होगा, और ये कहलाता है इन्वर्जन रिएक्शन, और सिंपली कहलाता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन प्रोडक्ट। तो ध्यान रखिएगा, SE2 फ्रंट रिएक्शन में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, प्रोडक्ट के कॉन्फ़िगरेशन में अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जब SE2 बैक साइड यानी कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल बैक साइड से आएगा लिविंग ग्रुप के, तो वहां पे प्रोडक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो स्टार्टिंग के कंपैरिजन में उल्टा होगा। क्या आपको क्लियर है? तो SE2 फ्रंट में रिटेंशन होता है और SE2 बैक में इन्वर्जन होता है, ध्यान रखिएगा। अब ये चीजें आपको आगे बताएंगे कि SE2 फ्रंट कब होता है, SE2 बैक क्यों होता है, ये सब आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में क्लियर हो पाएगा। रिएक्शन SE2 के लिए जो रेट कॉन्फ़िगरेशन होगा, दैट इज रेट इज इक्वल टू के इनटू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इनटू इलेक्ट्रोफाइल कंसंट्रेशन। आप जानते हैं कि SE2 रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पे रिएक्शन का रेट जो होता है वो दो मॉलिक्यूल दो सब्सटेंस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, और आप जानते हैं इस रिएक्शन में सब्सट्रेट और इलेक्ट्रोफाइल पार्टिसिपेट करते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल और सब्सट्रेट दोनों की कंसंट्रेशन पे SE2 रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। अब अगर इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालें तो ऑर्डर निकालने के लिए आप जानते हैं कि रेट फॉर्मूले में जो कंसंट्रेशन टर्म की पावर होती है, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आया सर, ये आ गया 2,
तो आपको पता है कि SE2 रिएक्शन को SE2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बाई मोलिकुलर होता है, दो मोलिक्यूल कंसंट्रेशन पे इस रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है और इस रिएक्शन का ऑर्डर भी दो होता है। मेजर ऑफ SE2 रिएक्शन प्रोसीड्स वाया SE2 फ्रंट टू गिव रिटेन प्रोडक्ट। बच्चों ये स्टेप आपको ध्यान रखना है कि जनरली जो SE2 रिएक्शन होती है उनमें सब में मैकेनिज्म SE2 फ्रंट होती है जिससे बनने वाला प्रोडक्ट का जो कॉन्फिगरेशन होगा वो रिटेन रहता है, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होता है। क्या ये आपको क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पे हमने ये हमारा सबस्ट्रेट है और ये हमारा यहाँ पे रिएजेंट है, मैंने यहाँ पे HgCl2 में यहाँ पे एस्टरिस्क लगाया हुआ है क्योंकि बच्चों ये लेबलिंग करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर दो मरकरी एटम है तो आपको ये देखना होता है कि जो हमारा रिएजेंट का मरकरी है वो कहाँ पर जाके अटैच होगा, कहाँ बॉन्डिंग करेगा, तो इसलिए यहाँ पे इसको लेबलिंग किया हुआ है, दिस इज नोन एज लेबलिंग। क्लियर है? तो ये हमारा सबस्ट्रेट है। अब आप यहाँ पे देखिए रिएक्शन हुआ और रिएक्शन कौन सा होता है, मोर कॉमनली होता है SE2 फ्रंट, यानी कि जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो सामने से आएगा और जब सामने से आएगा तो प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, प्रोडक्ट का जो कॉन्फिगरेशन होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा जैसा स्टार्टिंग का है। खैर आइए देखते हैं हुआ क्या। तो यहाँ पे बच्चों रिएक्शन हुआ इस साइट पे, ये हमारा रिएक्टिव साइट है यहाँ पे, तो ये कार्बन HG वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे बॉन्ड क्लीव हुआ तो यहाँ पे दो Cl थे, एक Cl यहाँ पे आ गया, देखिए HgCl आप देख पा रहे हैं और बच्चों यहाँ पे हमारा HgCl यहाँ पर भी आ गया। तो ये वाला जो रिएजेंट का था मरकरी वो यहाँ पे अटैच हुआ है। अब अटैच तो हुआ है लेकिन ध्यान देने वाली बात ये कि जो हमारा कॉन्फिगरेशन, जो अरेंजमेंट स्टार्टिंग मटेरियल सबस्ट्रेट का था बिल्कुल वैसा ही आपको प्रोडक्ट में दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है उसका जो कॉन्फिगरेशन है वो इस चीज को क्लियरली इंडिकेट करता है कि SE2 फ्रंट रिएक्शन में हमेशा रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। बच्चों अब आगे लेंगे हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन।